नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मेष राशि का मासिक राशिफल मई 2019 को लेकर के क्या खास रहने वाला है मेष राशि के जातकों का मई के माह में, कैसा इनका स्वास्थ्य रहने वाला है, क्या आय रहने वाली है और कार्य क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, साथ ही बात करेंगे किस पूरे महीने में कौन से वह दिन हैं जो दिन आपको तनाव, थकावट, मानसिक व शारीरिक कष्ट दे सकते हैं और उन दिनों की भी बात करेंगे जो दिन आपको अत्यधिक लाभ दे सकते हैं कार्य क्षेत्र में, अत्यधिक लाभ दे सकते हैं आय में, और यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप यदि काम प्रारंभ करें तो आपका कार्य क्षेत्र आपके लिए उन्नति का एक मार्ग बनेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यह राशि फल प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं यह बता दूं कि यह राशि फल चंद्र कुंडली पर आधारित है, अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़ें। यदि आपका चंद्रमा एक अंक जहां पर लिखा है वहां पर विराजमान है तो आपकी मेष राशि बनती है। हमारे जीवन में अधिक मात्रा में जो भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं वह चंद्र कुंडली के माध्यम से ही होते हैं। तो जो भी ग्रहों की गणनाएं की गई हैं इस विश्लेषण में वह चंद्र कुंडली के माध्यम से ही की गई हैं। तो सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचरीय व्यवस्था पर, क्या खास रहने वाली है मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचरीय व्यवस्था। मेष राशि का स्वामी मंगल जो कि वृषभ राशि में है द्वितीय स्थान पर विराजमान है, तो वही सूर्य आपके लग्नस्थ स्थान में उच्च का विराजमान है। शुक्र और बुध की युति द्वादश स्थान में मीन राशि में बना है। शनि और केतु धनु राशि के विराजमान है नवम स्थान में, वहीं राहु मिथुन राशि के पराक्रम स्थान में विराजमान है, गुरु वृश्चिक राशि के अष्टम स्थान में है। चंद्रमा की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्रह गोचरीय परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। 3 मई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और वह सूर्य के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे और आपका लग्नस्थ ही बुध आदित्य योग एक उत्तम योग बन जाएगा। साथ ही 7 मई 2019 यहां मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और यह राहु के साथ पराक्रम स्थान में मिथुन राशि के हो जाएंगे। 10 मई को शुक्र अपने राशि परिवर्तन करके पुनः सूर्य और बुध के साथ मेष राशि गति हो जाएंगे। यहां बुध और शुक्र का महालक्ष्मी नामक योग बनेगा। वहीं 15 तारीख को सूर्य अपने राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आपके द्वितीय स्थान में आ जाएंगे। 18 मई को पुनः बुध राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ग्रहों की इस कसमकस के बीच क्या खास रहने वाला है मेष राशि के जातकों का, सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं इनके स्वास्थ्य पर। मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वह भी वृषभ राशि में है, लेकिन जब वह 7 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि 15 तारीख तक सूर्य आपके राशि में उच्चस्थ होकर करके विराजमान रहेंगे तो यहाँ पर सूर्य कुछ बचाव कर सकते हैं, लेकिन मेष राशि के जातकों को मई के माह में विशेष जब तक मंगल और राहु की युति बनी हुई है तब तक सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। यहाँ पर
एक अग्नि तत्वीय है और एक तमोग्रही है, तो दोनों ही ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं है। आपको बीपी, ब्लड प्रेशर और ब्लड संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अत्यधिक गुप्त चिंताएं और शारीरिक थकावट आप महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा और वहीं उनकी सप्तम दृष्टि शनि और केतु पर भी है, तो आप यहाँ पर विशेष सतर्क हैं। यहाँ पर आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग सकता है। यह भी आपके लिए मानसिक रूप से यहाँ पर दुखदायी हो रहने वाला है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके बाल इत्यादि नाखून झड़ सकते हैं और जो लोग वाहन संबंधित कार्य करते हैं, वाहन चलाते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। चोट चपेट इत्यादि के भी आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि आपकी बात करें कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि भाग्य स्थान में केतु के साथ विराजमान है। कार्य क्षेत्र में आपकी धीरे धीरे उन्नति होगी। हालांकि सूर्य आपके राशिगत है, तो यहाँ पर आपके लिए 15 तारीख तक कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सूर्य और बुध का आदित्य योग, बुध आदित्य योग, और साथ में जब शुक्र वहां पर आ जाएंगे तो महालक्ष्मी नामक योग बनेंगे, तो आपका कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। भागदौड़ भरी जिंदगी रहने वाली है आपकी। कार्य क्षेत्र में आप अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे करेंगे और विशेषकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर इत्यादि से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिलने के पूर्णतः योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि बात करें आपकी आय की, तो आय के स्वामी भी शनि बनते हैं और साथ ही यहाँ पर मंगल 7 तारीख तक वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद सूर्य 15 तारीख के बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो आपको अपने पारिवारिक जनों से धन लाभ अवश्य होगा। अपने पिताजी के माध्यम से, अपने भाइयों के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। और जो लोग बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, भूमि इत्यादि से जुड़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर निश्चित रूप से लाभ मिलने के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से सूर्य का पूजन करना होगा। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। यहाँ आपको मंगल राहु की जो युति बनी हुई है, इससे निजात दिलाने का काम अवश्य करेगा। अत्यधिक गर्म तला भुना खाना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। गुरु आपका अष्टम स्थान में चल रहा है, जो कि विशेषकर पेट का नियंत्रण कारक ग्रह है, पेट का नियंत्रण रखते हैं, तो गुरु आपके अष्टमेश हैं, अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि के विराजमान हैं, तो यहाँ पर आपको अत्यधिक तला भुना गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा खाने से बचना होगा। आपके लीवर में इन्फेक्शन इत्यादि भी हो सकता है। अब मित्रों बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा बहुत गतिशील ग्रह है। यह 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो वहां हमें उत्तम फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब वह चंद्रमा क्रूर ग्रहों और पापी ग्रहों के साथ होते हैं तो वह हमें अशुभ फल भी प्राप्त करवाते हैं। तो वही मैं तारीखें बताने वाला हूं जिन तारीखों में आपको सतर्क रहना है। 8, 9, 18, 19, 21 और 22 मई आपके लिए थोड़ा कष्टदायी समय होगा। वहीं 1, 2, 4, 5, 6, 10 और 11 तारीखें आपके लिए अति उत्तम तारीखें हैं। इन तारीखों में आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।
नया कार्य करना चाहते हैं तो नया कार्य कर सकते हैं, और कहीं भी शेयर मार्केट इत्यादि में आप यदि पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ती है। तारीख 8 और 9 चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, वहीं 18 और 19 को वृश्चिक राशि में अपने नीच राशिगत अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। हालांकि वहां पर गुरु भी गज केसरी योग बनाएंगे, लेकिन यह योग आपके पक्ष में नहीं होगा। वहीं 21 और 22 को धनु राशि में केतु और शनि के साथ विष योग बनाएंगे। 21 और 22 को तो विशेष रूप से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। वहीं 1-2 मीन राशि में शुक्र के साथ योग बनाएंगे, यहाँ आपको कहीं बाहर घूमने जाना पड़ सकता है। तारीख 4 और 5 को मेष राशि में बुध और सूर्य के साथ रहेंगे, वहीं 5 और 6 को वृषभ राशि में अपनी उच्च राशिगत रहेंगे, तो आपके लिए यह दिन बहुत अच्छे रहने वाले। मित्रों, यह आपका मई माह का मासिक राशिफल, कृपया शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका मई का माह अत्यधिक मंगल और शुभ का शुभदायी हो, यही हम मंगल कामना करते हैं। नमस्कार।